हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं .os 5.2 के बारे में। रिसेंटली दोस्तों जो एंड्रॉयड 12 है वो लॉन्च हो चुका है एंड एंड्रॉयड 12 का जो UI है उसके साथ .os 5.2 भी हमें देखने को मिल गया है। यहाँ पर .os 5.2 के अंदर हमें नया नया क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एज वेल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। सबसे पहले आप देख सकते हो जो अपना सेटिंग्स मेनू है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है .os 5.2 के अंदर। काफ़ी बढ़िया सेटिंग्स मेनू है, इसे पूरा तरीके से रिडिजाइन किया गया है अपने रेपो नोट 7 के अंदर। अभी फिलहाल मैं .os 5.2 की यूज़ कर रहा हूँ, ऑफिशियल बिल्ड है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर अबाउट फोन के अंदर। तो जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर .os 5.2 है, जी एप्स वाला बिल्ड को हमने फ्लैश किया है अपने रेडमी नोट 7 के अंदर। एंड यहाँ पर जो एसी एंड इसका सेटअप है इन्फोर्सिंग है, तो आपको जो सिक्योरिटी है उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। अगर बात करें एंड्रॉइड वर्सन की तो डेफिनेटली एंड्रॉइड वर्सन एंड्रॉइड 11 है, बट फिर भी आपको एंड्रॉइड 12 का बहुत सारी फीचर्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड एज वेल अक्टूबर 1, 2021 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी देखने को मिला है, जो कि एकदम ही लेटेस्ट है। यहाँ पर .os के साथ जो कर्नल को यूज़ किया गया है पीडिएटेड स्टोमबेकर कर्नल को यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कर्नल है। देख सकते हो एंड्रॉइड 12 का जो क्लॉक विजेट है उसे भी यहाँ पर डाल दिया गया है। बात कर लेते हैं अपने .os 5.2 के अंदर क्या क्या चेंज किया गया है, क्या क्या फीचर्स को डाला गया है। सबसे पहले ये जो बिल्ड है दोस्तों रेडमी नोट 7 के लिए लास्ट बिल्ड हो सकता है, इसके बाद दोस्तों रेडमी नोट 7 के लिए कोई भी मेंटेनर एज फॉर नाउ नहीं है। सो जो नेक्स्ट बिल्ड है शायद अनऑफिशियल बिल्ड आपको देखने को मिल सकता है .os की तरफ से। नेक्स्ट दोस्तों इस बिल्ड के अंदर आपको कोई भी Xiaomi पार्ट्स का जो ऑप्शन है देने को नहीं मिलेगा। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर सिस्टम के अंदर हम आते हैं, बट यहाँ पर कोई भी Xiaomi पार्ट्स का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पर हमें जो साउंड एनहाइजर है वो देखने को मिल गया है। यह सब हेडफोन टाइप को चूज कर सकते हो, अलग अलग हेडफोन टाइप को, एज वेल यहाँ पर अलग अलग जो प्रीसेट है उसका जो ऑप्शन है उसे भी डाल दिया गया है। यहाँ पर आपका जो सिस्टम अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। डेवलपर सेटिंग्स का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। एंड यहाँ से आप कौन कौन से आइकॉन को अपने सेटअप के अंदर दिखाना चाहते हो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अपने रेडमी नोट 7 के अंदर अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ जो बिल्ड है देखने को मिला है। सो ये जो .os 5.2 है इससे पहले भी रिलीज किया गया था सितंबर के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ, बट अभी फिलहाल अक्टूबर का महीने के अंदर फिर से .os 5.2 को अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ रिलीज किया गया है। यहाँ पर अगर आप इस .os 5.2 को इंस्टॉल करते हो अपने रेडमी नोट 7 के अंदर तो आपको यहाँ पर क्लीन फ्लैश करना होगा। अगर आप क्लीन फ्लैश नहीं करोगे तो ये जो रॉम है आपके डिवाइस के ऊपर बूट शायद ना हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो सिस्टम वाइड मोनेंट का फीचर है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, मतलब जो मोनेंट वानावी का फीचर है उसे भी डाल दिया गया है, मतलब जो वॉलपेपर बेस्ड थीम इंजन का सपोर्ट है वो भी हमें इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल गया है। उसके साथ साथ दोस्तों जो UI के अंदर जो लैग्स हमें देखने को मिल रहा था उसे रिमूव करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है, एकदम फ्लूइड आपको एक्सपीरियंस देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एज वेल दोस्तों जो सिस्टम UI क्रैश कर जा रहा था लैंडस्केप मोड के अंदर उसे भी फिक्स करके दिया गया है। अभी आपको जो सिस्टम UI है क्रैश नहीं करेगा अगर आप लैंडस्केप मोड के अंदर यूज़ करोगे अपने फ़ोन को, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो अपना कलर सर्चबार आइकन देखने को मिलता था, अपना जो सर्चबार आइकन जो है कलर देखने को मिल जा रही थी उसे भी रिमूव करके दिया गया है। एज वेल जो UI है उसमें भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया है, स्टेबिलिटी एंड अंडरहुड चेंजेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं अपना जो वॉलपेपर बेस्ड थीम सिस्टम है और जो मोनेंट वाना भी है उसके अंदर क्या क्या चेंज किया गया है। तो यहाँ पर .os 5.2 के साथ हमें नया वाला जो वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन में आना होगा एंड कस्टमाइजेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का बहुत सारी फीचर्स देने को मिलता है। सबसे पहले है यहाँ पर आप जो वॉलपेपर है उसे चेंज कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वॉलपेपर के अंदर जो कलर है उसे आप चूज कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पर इस वॉलपेपर के अंदर अलग अलग कलर हमें देने को मिल रहा है। आई होप यू कैन सी अलग अलग कलर है, तो उसी कलर को पिक करेगा एंड यहाँ पर जो है सिस्टम के अंदर अप्लाई कर देगा। जो भी आप कलर चूज करोगे वो कलर ऑटोमेटिकली अपने सेटिंग्स के अंदर अपने UI के अंदर अप्लाई हो जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। देख सकते हो यहाँ पर जो अपना सर्च बार है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो अलग अलग जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चूज होते रहेगा जो भी आप कलर चूज करोगे। तो यहाँ से आप जो है वॉलपेपर कलर्स को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है थीम कलरफुल करके एक देखने को मिलता है, थीम ब्राइटनेस को भी यहाँ से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको जो वॉलपेपर का कलर है वो पसंद नहीं आता है तो आप अलग से यहाँ पर सिस्टम आइकॉन में आके अलग अलग कलर को चूज कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर हमने जो ब्लू है उसे सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया। यहाँ पर अगर आप रेड सेलेक्ट करते हो तो देखो रेड सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर देखो रेड सेलेक्ट हो चुका है। काफ़ी जल्दी दोस्तों जो है यहाँ पर वॉलपेपर बेस्ड थीम सिस्टम काम करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। देख सकते हो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर स्विच होते रहता है। एंड यहाँ पर आपको स्मार्ट SN पिकर का जो ऑप्शन है इसे भी डाल दिया गया है।
एंड ये सभी जो ऑप्शन है आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जो अपना कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन, इसे पूरी तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग जो क्लॉक फेस है, जो लोकेशन के अंदर क्लॉक है, अलग अलग यहाँ पर आप डाल सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग रॉम की तरफ से जो क्लॉक फेस है वो देखने को मिलता है। अलग अलग फॉन्ट को भी यहाँ पर डाल पाओगे, काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अलग अलग शेप हो जाए, आइकॉन शेप, आइकॉन पैक, उसके बाद सिस्टम कार्ड, जो नोटिफिकेशन ट्रांसपेरेंसी है उसे आप डिसेबल कर पाओगे, और भी आपको मोड सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर भी आपको सेटिंग्स डाल दिया गया है, जहाँ से आप जो एज ऑप्शन है इसे आप इनेबल कर पाओगे। चलते दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग्स के अंदर। तो देखिए पा रहे हो यहाँ पर जो अपना कस्टमाइजेशन का टैब है उसे पूरा तरीके से रीडिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। जो यूआई है काफ़ी बढ़िया है। आपको इवन जो है शेड्यूल, आप वॉलपेपर को शेड्यूल भी कर पाओगे, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस बिल्ड के अंदर कर दिया गया है। एंड यहाँ पर जो भी आप कलर को चूज करोगे वो अपना सेटिंग्स मेनू के अंदर, सिस्टम यूआई के अंदर जो कोड है, कोड के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों यहाँ पर मोड सीरीज के अंदर। देख सकते हो जो रॉम है काफ़ी स्मूथ हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से आप जो लॉक स्क्रीन के रिलेटेड अलग अलग कस्टमाइजेशन आप कर पाओगे। यहाँ पर आपको सर्वर के रिलेटेड कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया आपको जो है यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन के नीचे आपने गेमिंग मोड देखने को मिलता है। गेमिंग मोड को भी ऐड करके दिया गया है, इस बिल्ड के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ से आप क्विक सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के अंदर ये सभी जो टैग्स है, मतलब जो ऑप्शन है देखने को मिल जाती है। नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर पाओगे, वाइब्रेशन को डाल सकते हो, साइलेंस कर सकते हो। एंड गेमिंग मोड इंडिकेटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो ब्राइटनेस है, ऑटो ब्राइटनेस, उसे आप डिसेबल कर सकते हो। डायनेमिक मोड्स का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी बढ़िया है। डेडिकेटेड गेमिंग मोड को भी डाल दिया गया है इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडली फीचर है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर चलते हैं अपना बैटरी के अंदर। सो यहाँ पर देख सकते हो जो बैटरी का यूआई है इसे भी चेंज करके दिया गया है। बैटरी यूआई काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आपको जो यूजेस है वो दिखा देगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फुल चार्ज मैंने किया था लगभग 3 डेज एगो। सो बैटरी जो है अभी 92% के आसपास है, ओनली 8% का ड्रॉप हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है अगर आप फोन को यूज़ नहीं करोगे तो। एंड यहाँ पर आपको बैटरी के रिलेटेड जितनी भी स्टेप है वो आपको देखने को मिल जाएगी एक ही पेज के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को। देख सकते हो यहाँ पर आपको एडाप्टिव बैटरी, उसके बाद बैटरी सेवर का जो प्रोफाइल से उसे आप डाल सकते हो, हाई एक्सट्रीम जो बैटरी सेवर है उसे अवेलेबल कर पाओगे, शेड्यूल कर सकते हो, ऑटो ऑन ऑफ का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। जितने भी बैटरी के रिलेटेड स्टेप है उसे यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर जो अपना क्या कहते हैं स्मार्ट चार्जिंग हो जाए, उसके बाद स्मार्ट कार्ड आउट, ये सभी जो फीचर्स ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पर हो यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर जो डैशबोर्ड है, प्राइवेसी डैशबोर्ड का जो फीचर्स है उसे भी यहाँ पर डाल दिया गया है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, इसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एंड यहाँ पर जो अपना डार्क मोड प्रीव्यू है उसे भी रीडिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर से जब भी हम डार्क मोड को डालेंगे देख सकते हो कुछ इस तरह से ही, यहाँ पर आपको शेड्यूल का भी ऑप्शन देने को मिलता है, तो डार्क मोड का जो यूआई है इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एंड अपना जो डैशबोर्ड का आइकॉन है इसमें भी रीडिज़ाइन किया गया है। ओवरऑल जो डॉट है फाइबर 2 है, इसके अंदर ऐसा बहुत सारे फीचर्स है जो कि आपको एंड्रॉयड 12 के अंदर देखने को मिलता है। ना आपका जो एक्सपीरियंस है यूआई के साथ, रॉम के साथ काफ़ी स्मूथ है, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। एंड आपको जो स्कॉल इशू देखने को मिल रहा था, स्कॉलिंग इशू अभी इसे फिक्स करके दिया गया है, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो पार्शियल स्क्रीनशॉट का सपोर्ट है वो भी डाल दिया गया है। आप पर्टिकुलर कोई मतलब स्क्रीन के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन का और कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का जो है स्क्रीनशॉट ले पाओगे, पार्शियल स्क्रीनशॉट को डाल दिया गया है। उसके बाद जो क्विक सेटिंग स्टाइल है इसके अंदर से जो अपना कॉम्पास है उसे डाल दिया गया है। एज वेल क्विक सेटिंग्स टॉगल के अंदर आपका जो रिबूट, रिकवरी, पावर ऑफ का मेनू है उसे भी, मतलब जो ऑप्शन है उसे भी डाल दिया गया है। तो क्विक सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी ऑप्शन को डाल दिया गया है। एंड जो अपना जो एंड्रॉयड 12 का बीटा 4 का जो मीडिया कंट्रोल पैनल है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। उसके साथ साथ आपको इस तरह की बहुत सारी फीचर्स डाल दिए गए हैं इस बिल्ड के अंदर, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया बिल्ड है। अगर आपको एक एंड्रॉयड 12 का एक्सपीरियंस अभी का भी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली .os 5.2 का जो डाउनलोडिंग है मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जगह आप चेकआउट करके देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। एंड्रॉयड 12 का जो क्लॉक है वो भी आपको देखने को मिलता है, बाय डिफॉल्ट है बट मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों ये जो बिल्ड है दोस्तों ये मतलब फारू बिल्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसके अंदर आपको वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का सपोर्ट है, मोनेट का सपोर्ट डाल दिया गया है। एंड बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है स्टेबिलिटी के अंदर, जो लास्ट सितंबर का बिल्ड था उसके मुकाबले में ये जो बिल्ड है काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आपको देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो अपना कैलकुलेटर एप्लीकेशन है ये भी पूरा तरीके से रीडिज़ाइन हो गया है, जो भी आप कलर को चूज़ करोगे उसके हिसाब से जो है ये भी चेंज होते रहेगा, इसका कलर भी, ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसे भी आप यूज़ करके देख सकते हो।
एंड ओवरऑल मेरे को तो काफ़ी सही लगा है। एंड अगर बात करूँ कैमरा ट्यूब पे की तो लेवल 3 का सपोर्ट देने को मिलता है। गूगल कैमरा गो की अगर बात करूँ ये भी टेस्ट कर लेते हैं तो देख सकते हो गूगल कैमरा गो को मैंने ओपन किया है, ये भी यहाँ पर काम कर रहा है। एंड नॉर्मल कैमरा की अगर बात करूँ ये भी देख लेते हैं तो नॉर्मल कैमरा भी यहाँ पर काम कर रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। 1x2S का जो सपोर्ट है वो भी देने को मिलता है, तो स्टॉक GCam काम कर रहा है। एंड गूगल कैमरा भी यहाँ पर काम कर ही रहा है, गूगल कैमरा गो। एंड स्टॉक GCam का जो 8.2 वर्जन है वो काम कर रहा है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट बात कर लेते फिंगरप्रिंट की, तो जस्ट टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया फिंगरप्रिंट यहाँ पर वर्किंग कंडीशन के अंदर, देखिए मारो जस्ट टैप किया ओपन हो गया। फिर से और एक बार फेस अनलॉक के साथ, तो फेस अनलॉक भी यहाँ पर काम कर रहा है और एक बार, तो फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट सभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल। नाउ मैं कुछ स्क्रीनशॉट देखना चाहूँगा जो कि मैंने इस रॉम के अंदर जो बेंचमार्किंग एप्लीकेशन रन किया है उसका है। तो सबसे पहले बात कर लेते गीगीबेंच 5 की, 3 to 5 देने को मिल गया है सिंगल कोर के अंदर, मल्टी कोर के अंदर 1367 एंड पीडिएटेड स्टॉर्म ब्रेकर कर्नल के साथ जो स्कोर आया है काफ़ी बढ़िया हमें देने को मिला है, एवरेज से ज़्यादा स्कोर देने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। देख सकते हो मल्टी कोर के अंदर जो स्कोर आया है वो भी एवरेज से बढ़िया है। एंड CP13 टेस्ट भी देख लीजिए, मैक्स है 143, एवरेज है 133, मिनिमम है 120। सो CP13 टेस्ट के अंदर भी जो स्कोर आया हमें देखने को मिला है काफ़ी सही देखने को मिल गया है। थ्री डी मार्क के अंदर 489 देखने को मिला है एंड 2.90 का APS भी देखने को मिल गया है, जो हमें स्कोर देखने को मिला है रेडमी नोट 7 के साथ 489, जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर 3D Mark के अंदर स्कोर देखने को मिल गया है। मैजिक की अगर बात करूँ, मैजिक हमने यहाँ पर डाल दिया है बट जो अपना सेफ्टी नेट है फेल्ड हुआ है, तो शायद जो अपना गूगल पे फोनपे सर के एप्लीकेशन सर शायद इस रॉम के अंदर काम ना आए, तो ये चीज़ आपको देखना होगा। तो ओवरऑल .os 5.2 जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ हमें देखने को मिला है, काफ़ी स्मूथ UI है एंड काफ़ी हद तक आपको Android 12 का जो फील है देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप Android 12 का वेट कर रहे थे तो वेट मत कीजिए, अभी कभी इस बिल को फ्लैश कीजिए अपने फ़ोन के ऊपर एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।